हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द वेदिक कॉलेज। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 7, जो कि क्या है, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स। अब ट्रांसपोर्टेशन क्या चीज़ का होना है, सबसे पहले तो क्वेश्चन ये है। तो हमारी बॉडी में किस क्या क्या चीज़ें मूव करती हैं? एक तो ब्लड मूव करता है ना, ऑक्सीजन मूव करता है पूरी बॉडी के लिए। फिर जो हम खाना खाते हैं वो मूव करता है, विटामिन वगैरह। खैर वो सब तो खाने का ही पार्ट है, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स वगैरह, है ना। अब देखो होता क्या है कि आप जानते हो हमें क्या क्या चाहिए सर्वाइवल के लिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म को, हमें ही नहीं किसी भी ऑर्गेनिज्म को। फूड चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है। ये तीन चीज़ तो चाहिए ही चाहिए हमें, है ना, सर्वाइवल के लिए। और ये तीनों चीज़ें, और हम लोग किस चीज़ के बने हुए हैं, सेल के बने हुए हैं, है ना। तो लाखों करोड़ों सेल्स जोड़ करके हमारी बॉडी बनी हुई है। और सेल आप जानते हो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट दोनों है। तो स्ट्रक्चरल तो हम समझ में आ गया कि हाँ भाई हम उससे बने हुए हैं। फंक्शनल यूनिट मतलब क्या है कि हर एक सेल एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन करता है ताकि हम परफॉर्म कर सके, हमारी बॉडी एज अ यूनिट परफॉर्म कर सके, है ना। सेम गोज विद द प्लांट्स ऑल्सो, है ना, सारे एनिमल्स और सारे प्लांट्स। अब देखो हर सेल को क्या चाहिए होता है, हर सेल अगर कुछ काम करेगा तो कुछ काम करने में एनर्जी कंज्यूम होती है। वो एनर्जी कहाँ से आएगी उसको, फूड से मिलेगी। तो इसका मतलब है कि हर फूड और ऑक्सीजन दोनों चाहिए एनर्जी रिलीज करने के लिए। हमने पढ़ा था ना इससे पहले वाले चैप्टर में, है ना, कि फूड प्लस वाटर मिलके एनर्जी रिलीज होती है ना, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलता है, ऑक्सीजन भी ऐड होता है उसमें, है ना। तो हर सेल को चाहिए, है ना सर, हर सेल को एनर्जी तो चाहिए ताकि वो परफॉर्म कर पाए फंक्शन। अगर पास उसके पास एनर्जी नहीं होगी तो वो फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो इस चलते हर सेल को क्या क्या मिलना चाहिए, ऑक्सीजन भी मिलना चाहिए, फूड भी मिलना चाहिए, साथ में वाटर भी मिलना चाहिए, है ना, हर सेल को मिलना चाहिए इस बॉडी के। अब ये कैसे मिलेगा, तो इसके लिए एक सिस्टम है, सर्कुलेशन का सिस्टम है हमारी बॉडी में, उसको हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। और हमारी बॉडी में हर जगह फूड ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है, फूड ऑक्सीजन वाटर ब्लड, क्योंकि आप देखो आपकी बॉडी में हर जगह ब्लड है ना। हम मैक्सिमम ब्लड हर जगह ब्लड है, ये देखो इसमें दिखा रखा है ना आपके, ये फोटो में देख लो आप, नीला हो चाहे लाल हो, आप देख लो हर जगह जा रही है, हर जगह, है ना, टॉप से लेकर के बॉटम तक हर जगह आपके वेन्स और आर्टरी जा रही है ना, तो और वो ब्लड लेके जाती हैं, है ना, फिंगर टिप्स तक जाती हैं, देख लो आप, है ना, हर कोने कोने में बॉडी के, पूरे पैर पे, हर जगह, हर जगह देखते हो, आपको कहीं पे भी कट आता है फट खून आ जाता है, जैसे कहीं पे भी चोट लग जाए, हल्का सा कट जाए तो फट से खून निकल जाता है ना। इसका मतलब क्या है कि हर पार्ट हर जगह पे आपका ब्लड सर्कुलेट होता है, ठीक। तो सबसे पहले ब्लड के बारे में ही जानते हैं। ब्लड क्या करता है, ब्लड कैरी करता है आपका डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, है ना। इट ऑल्सो कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू सेल्स ऑफ द बॉडी, है ना। ये क्या कर रहा है, एक तो फूड ले जा रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन से, एब्जॉर्ब होकर पूरा फूड ले जा रहा है बॉडी में, प्लस लंग्स से ऑक्सीजन लेकर के पूरी बॉडी में जा रहा है। और क्या करता है, अब देखो जब सेल में डाइजेशन हो जाता है तो वहाँ क्या होता है, CO2 भी तो निकलता है ना, वेस्ट मटेरियल भी तो निकलता है ना, तो वो भी ट्रांसपोर्ट करके वापस लेके आता है, ये है ना। जैसे मान लो सेल में गया ऑक्सीजन लेके, वहाँ CO2 का फॉर्मेशन हुआ, तो वहाँ से CO2 लेके भी तो वापस आएगा ना ये लंग्स तक, ताकि वो बॉडी से बाहर निकल सके, उसको भी करता है ये ट्रांसपोर्ट, है ना। हाउ डज द ब्लड कैरी दिस सब्सटेंसेस, कैसे कैरी करता है ये सब्सटेंस। तो ब्लड ना कंपोज होता है, कंपोज ऑफ अ फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा। ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक। दो चीज़ों का बना हुआ होता है, दो तीन चीज़ों का बना हुआ होता है, मेनली चार चीज़ों का, आपका एक तो प्लाज्मा, दूसरा WBC वाइट ब्लड सेल, तीसरा रेड ब्लड सेल, और चौथा प्लेटलेट्स, ठीक। ये चार चीज़ों का बना होता है ब्लड, आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो एक मैंने क्या बताया आपको, प्लाज्मा का बना हुआ होता है, दूसरा क्या है उसमें, रेड ब्लड सेल्स, है ना। रेड ब्लड सेल्स के कारण ही हमारा खून लाल कलर का दिखता है, ठीक है। उसमें जो लाल कलर दिखता है वो कौन सा होता है, वो क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, आपने सुना होगा कई बार, हीमोग्लोबिन, है ना। तो ब्लड में क्या होता है, RBC, RBC में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड हो जाता है, चिपक जाता है, ठीक है, और फिर वो
अलग अलग पार्ट में जाता है बॉडी के और सेल्स को दे देता है। ठीक, अगर मान लो हेमोग्लोबिन की कमी हो जाए बॉडी में, हाँ, तो क्या वो ऑक्सीजन ले जा पाएगा उतना सारा? नहीं ले जा पाएगा ना। तो हेमोग्लोबिन का प्रेजेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी में, ठीक है, और हेमोग्लोबिन के कारण ही हमारा खून रेड कलर का भी दिखता है। ठीक है, फिर दूसरे ब्लड में जो चीज़ें होती है वो होती है वाइट ब्लड सेल्स। ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी में अगर कोई जर्म आ जाता है ना, बैक्टीरिया आ जाए, वायरस आ जाए, तो उसके अगेंस्ट ये लोग उससे लड़ते हैं, फाइट करते हैं अगेंस्ट जर्म्स, और उसको मार डालते हैं। ठीक, आपने देखा होगा जब भी आपको चोट लगती है ना, फिर खून बहने लग जाता है फटाक से, है ना, फटाफट खून बहने लगा। लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा दबा के रखो, है ना, थोड़ी देर, या बैंडेज लगा दो, फिर आप देखोगे उसमें धीरे धीरे क्लॉट सा बन जाता है, हाँ, एक नहीं ब्राउन कलर सा हो जाता है, चिपक जाता है। तो जो क्लॉट फॉर्म होता है वो एक और टाइप का सेल होता है ब्लड में, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लेटलेट। ठीक है, तो आपने चार चीज़ें पढ़ ली, क्या क्या होता है ब्लड में। सबसे पहले प्लाज्मा, फिर रेड ब्लड सेल जिसको RBC बोलते हैं, फिर वाइट ब्लड सेल WBC, और चौथा प्लेटलेट। ठीक है, ये चार चीज़ें ब्लड में। अब आता है सर्कुलेटरी सिस्टम का दूसरा पार्ट, ब्लड वेसल्स। अब देखो, बॉडी में, पूरी बॉडी में जो खून जा रहा है ना, जैसे हमारे घर में क्या होता है, टैंकी से पूरी घर में अलग अलग जगह पे पानी हमें चाहिए होता है, तो उसके लिए हमने क्या लगा रखी है, पाइप्स लगा रखी है। तो वैसे ही हमारी बॉडी में भी एक तरीके से पाइप होती है, जिनको हम वेसल बोलते हैं, जिसमें खून बहता है, है ना, जैसे पानी हमारे पाइप में आता है टैंकी से, है ना, तो वैसे ही ब्लड भी हमारे पाइप्स में जाता है। इन पाइप्स को हम क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स बोलते हैं। ठीक, जब हम इनहेल करते हैं तो क्या होता है, फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाता है, फिर ऑक्सीजन वहाँ से हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है हर जगह, है ना। तो आप देखो, लंग्स से ब्लड कहाँ जाता है, हार्ट में जाता है, फिर हार्ट उसको पंप करता है ना। अब दो टाइप के ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरीज और वेन्स। ठीक, आर्टरीज और वेन्स, ये देखो, यहाँ देख लो, आर्टरी रेड कलर की और वेन्स ब्लू कलर की दिखा रखी है। ठीक, बॉडी में ऐसा नहीं होता है, रेड और ब्लू नहीं होती, बट यहाँ पे दिखाने के लिए, डिफरेंस दिखाने के लिए आपको कह रखा है। आप याद रखोगे, आर्टरी में आर है, रेड तो रेड कलर है, रेड कलर मतलब ब्लड, है ना, और वेन में उसका उल्टा हो गया, ब्लू कलर की वेन हो गई, है ना। तो यहाँ पे याद रखना, कलरिंग कलरेशन से पूछ लेगा कोई तो आपका। ठीक, आर्टरी क्या कैरी करता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करता है फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक, अब यहाँ से क्या निकलता है, हार्ट से आर्टरी जो है, पहले लंग्स से हार्ट में आता है ऑक्सीजन वाला ब्लड, है ना, फिर ब्लड पंप की तरह, जैसे आपकी मोटर होती है ना, पानी को डिफरेंट एरियाज में भेजती है, ऊपर छत पे भेजती है, तो वैसे ही पंप करता है ये पूरी बॉडी में, है ना, डिफरेंट पार्ट्स को। ठीक, हार्ट तो आर्टरीज के थ्रू जाती है ऑक्सीजन वाला ब्लड। अब ये क्या कर रहा है, जब वो पंप प्रेशर से, बिल्कुल प्रेशर से भेजता है ना उसको, इस चलते जो आर्टरीज की वॉल होती है वो क्या होती है, थिक होती है, क्योंकि प्रेशर से ब्लड जा रहा है उसमें, है ना। अगर आपको इसको चेक करना है तो आप क्या करो, आप कभी अपने ना, जैसे इसने हाथ, दोनों उंगलियों को अपने राइट हैंड की उंगलियों पर लेफ्ट हैंड के रखो, बीचों बीच रखो, हाथ के बीचों बीच रखो, तो आपको धीरे धीरे ना हार्ट बीट सुनाई देगी, है, थ्रॉबिंग सुनाई देगी, वो बार बार बंद खोल होगा, आप देखना। तो इसको क्या कहते हैं, थ्रॉबिंग को क्या कहते हैं हम, पल्स कहते हैं। ठीक है, और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ब्लड फ्लो कर रहा है आर्टरीज में, इस चलते ना, अगर आप इसको काउंट करोगे तो एक मिनट में जितनी बीट्स आपको दिखेंगी उसको हम बोलते हैं पल्स रेट। नॉर्मली कितनी होती है पल्स रेट, अगर आप रेस्ट कर रहे हो तो 72 से लेकर के 80 बीट्स पर मिनट आती है, और अगर दौड़ वोड़ के आओगे तो ज़्यादा हो जाती है ना। वेन्स क्या करती है, वेन्स कैरी करती है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। ठीक है, अभी सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, हमने देखा क्या सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो ये एक तरफ से जाएगा, दूसरी तरफ से वापस भी आएगा, है ना। ऐसा तो है नहीं कि हमारा ब्लड एक तरफ से हार्ट से निकला, फिर बॉडी से बाहर निकल जाएगा, फिर दूसरे, फिर नया आएगा, नहीं होता ना। उसी ब्लड को बार बार घुमाता रहते हैं बॉडी में, है। तो आर्टरी से हमारा हार्ट से बाहर आता है ना, और पूरी बॉडी में घूमता है,
फिर बॉडी में ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीजन के बाद फिर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में रिलीज होता है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड वापस हार्ट की तरफ आ रहा होता है वो कौन लाता है? वेन लाता है, ठीक है। और वेन्स में क्या होते हैं? बहुत सारे वॉल्व्स होते हैं, ठीक है। वॉल्व वॉल्व आपने देखा है कैसा होता है? वॉल्व ना, मैं आपको फ्लैप वॉल्व दिखाता हूँ, देखो एक सेकेंड, आपके और समझ में आ जाएगा। NRV वॉल्व इमेजेस, देख लो ये वॉल्व होता है जो एक ही डायरेक्शन में फ्लो को होने देता है ना, दूसरी डायरेक्शन में नहीं। अगर मान लो इधर से उधर जा रहा है ब्लड, सारा ब्लड इधर से उधर जा रहा है, पर उधर से इधर नहीं आने देगा, ठीक है। जैसे ही उधर से इधर आने लगेगा तो ये बंद हो जाएगा वॉल्व, ठीक। तो उसी तरीके से होता है कि वेन्स में क्या होता है? वॉल्व्स लगे हुए होते हैं, ठीक, ताकि ब्लड जो है वापिस ना जा पाए ऑर्गन के पास। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड खतरनाक चीज है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए वो हमेशा बॉडी से बाहर ही निकलना चाहिए, अंदर वापस नहीं जाना चाहिए, है ना। अगर ऑक्सीजन वाला ब्लड अगर वापस भी चल जाएगा तो कोई बात नहीं, ऑक्सीजन हार्मफुल नहीं है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड हार्मफुल है। अगर वो वापस सेल में चल जाएगा तो सेल मर भी सकता है, डेड हो सकता है। इस चलते इसमें वॉल्व्स होते हैं और ये सिर्फ अलाउ करता है उसको वन डायरेक्शन में ही फ्लो करने के लिए, ठीक है, ताकि ये इस साइड से इधर जाए वापस ना आ जाए। वापस आएगा तो उसको वॉल्व बंद हो जाएगा, हाँ वॉल्व बंद हो जाएगा और रोक देगा उसको वहीं पर, ठीक है। अब देखो ब्लड डोनेशन करना बहुत ज़रूरी है। आप देखो दुनिया में कई लोग रोज मर जाते हैं, क्यों? सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि ब्लड की कमी है, ठीक है। हॉस्पिटल्स में ब्लड डोनेट करना चाहिए हमें और लाइफ बचानी चाहिए लोगों की, है ना। जब आप ब्लड को डोनेट करते हो वो क्या करते हैं? ब्लड बैंक में रखते हैं उसको, प्रॉपर केयर में रखते हैं, ठीक। अब देखो आप यहाँ पे, आप देख लो आर्टरीज से हार्ट, आर्टरी से हमने कैसे कहा ऑक्सीजन रिच ब्लड जाता है और वेन्स में कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जाता है, लेकिन लंग्स से, है ना, लंग्स से क्या होता है? लंग्स से पल्मोनरी वेन लाती है आपकी ऑक्सीजन रिच ब्लड, ठीक है, और पल्मोनरी आर्टरी भेजती है लंग्स को कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, ठीक है। पल्मोनरी लग गया तो फंक्शन उल्टा हो जाएगा, ठीक है। पल्मोनरी वेन क्या करती है? ऑक्सीजन रिच ब्लड लाती है लंग्स से हार्ट में, और पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है? हार्ट से लंग्स में लेकर जाती है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, ठीक। अब आप फर्दर देखो कैपिलरीज है, अब ये क्या करती है? आर्टरी तो एक बड़ी सी होती है ना, वो खूब सारा ब्लड लेके आती है प्रेशर में, फिर ये छोटी छोटी कैपिलरीज में फर्दर डिवाइड हो जाती है, मतलब फर्दर थिन ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है। क्यों? क्योंकि इतने सारे ऑर्गन है, हर ऑर्गन में जाना है ना, तो वो छोटी छोटी पाइपों की तरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अब देखो छत से एक मेन पाइप आती है, फिर आपके घर में कितने सारे अलग अलग पाइपें हो जाती हैं ना, तो उसी तरीके से अलग अलग फंक्शन के लिए, अलग अलग जगह पहुंचने के लिए वो कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाती है आर्टरी, और फिर वो फर्दर कनेक्ट होती है वेन में, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो आर्टरी से आई, काफ़ी सारी कैपिलरीज में डिस्ट्रीब्यूट हुई, अलग अलग पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स को दे रही है ये कैपिलरीज ब्लड, और फिर वहाँ से वेन्स के साथ कनेक्टेड है, बाहर निकल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, ठीक। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम का कौन सा? हार्ट, है ना, जो इतना सारा काम कर रहा है। ये रहा आपका पूरा हार्ट का बड़ा सा डायग्राम, देख रहे हो आप? देखो हार्ट क्या काम करता है? हार्ट ऐसा पंप काम करता है ना, जो ब्लड को लगातार पंप कर रहा है, ठीक है। अगर आप सोच कर देखो, अगर ब्लड ही, हार्ट ही ना हो, पंप ना करे कुछ, तो ब्लड कैसे मूव करेगा? सर्कुलेट ही नहीं करेगा, बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाएगा, है ना। और हार्ट क्या काम करता है? लगातार काम करता रहता है बिना रुके हुए, एकदम मतलब नॉन स्टॉप वर्क करता है, चाहे हम सो रहे हों, रेस्ट कर रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, लगातार नॉन स्टॉप काम करता रहता है ब्लड, है ना। इसके दो अपर चैम्बर होते हैं, ये देख रहे हो ऊपर अपर चैम्बर, उसको हम क्या कहते हैं? एट्रिया बोलते हैं, और सिंगुलर को एट्रियम बोलते हैं, देख लो राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, लेकिन दोनों को मिला के हम क्या बोलेंगे? एट्रिया बोलेंगे। फिर आपका जो लोअर वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स,
टोटल चार चैम्बर में बटा हुआ है ना, ठीक है। और इन चैम्बर्स के बीच में देख लो आप, पार्टीशन हो रखा है, ऊपर नीचे पार्टीशन कर रखा है ना। इससे क्या होता है कि मिक्स नहीं हो ब्लड, है ना, ऑक्सीजन रिच ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड मिक्स नहीं हो, इस चलते ये पार्टीशन है, ठीक है। ब्लड कैसे मूव करता है, राइट साइड ऑफ द हार्ट से, है ना, 7.3 के फिगर में देखो, देखो यहां से राइट साइड से मूव करता है ना ब्लड आपका, ठीक। राइट साइड ऑफ द हार्ट एंड फॉलो द एरोस, दिस एरोस शुड इन डायरेक्शन ऑफ द ब्लड, ठीक है। तो हार्ट के बारे में आपने जान लिया, इतना इतना ही दिया हुआ आपके बुक में, आपको इतना ही जानना है, ठीक है। हार्ट बीट, हार्ट बीट आपने पढ़ी अभी, किस तरीके से हम अगर वैसे करें एग्जांपल को तो, है ना, अब देखो हार्ट बीट कैसे बनती है। ये जो हार्ट है इसके चारों तरफ आप देख रहे हो मसल्स है, बहुत सारी मसल है। ये मसल क्या करती हैं, रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, है ना, जिसके वजह से हार्ट जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो ब्लड को पंप करती हैं, जब वो रिलैक्स करती हैं तो ब्लड को अंदर लाती हैं, है ना। तो इस तरीके से प्रेशर क्रिएट करती हैं वो ब्लड के मूवमेंट के लिए, और ये कंटिन्यूस मूव करते रहते हैं ना विदाउट रुके हुए। अच्छा आपने देखा डॉक्टर को एक स्टेथोस्कोप लेके वो सुनते हैं, देखो कान में लगाते हैं और ये आपके छाती पे लगाते हैं ना, ताकि वो आपकी हार्ट बीट सुन सके। हार्ट बीट सुनने का मकसद क्या रहता है कि आपकी हार्ट की साउंड से वो पता लगा सकें कि आपका जो है हार्ट नॉर्मली फंक्शन कर रहा है नहीं कर रहा है, है ना, वो आप सुन सकते हो उसको, ठीक है, स्टेथोस्कोप की मदद से। अगर आपको घर में स्टेथोस्कोप बनाना है वैसे ही टेम्पररी, तो आप कैसे बनाओगे, एक फनल लो, ठीक है, उस पर एक रबर ट्यूब लगा लो नीचे से ये वाली, है, और फिर एक उस पर और आप रबर का शीट लगा दो ऊपर से फनल के माउथ पे, ठीक, और उसको फिर आप अपने हार्ट पे लगा के देखो और कान से सुनो एक एंड से, तो आपको सुनाई देगा, ठीक, करके देखना इसको, कामयाब होता ही नहीं होता। ठीक, और तो कुछ नहीं है, और तो कुछ नहीं है। अच्छा यहाँ पे एक चीज और है, एनिमल्स सच एज स्पॉन्जेस एंड हाइड्रा डू नॉट पोजेस एनी सर्कुलेट सिस्टम, ठीक है, दो एनिमल्स के बता रखा है, स्पॉन्जेस और हाइड्रा, जिनमें कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है, तो फिर इनमें कैसे चीजें होती है भाई, आपका क्वेश्चन उठेगा। तो इनमें वाटर इन विच दे ब्रिंग फूड एंड ऑक्सीजन एज इट इंटर्स देयर बॉडी, वो इसमें वाटर लेके जाता है क्या, फूड को भी और ऑक्सीजन को भी, ठीक है। फिर वाटर कैरीज अवे द वेस्ट मटेरियल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज इट मूव्स आउट, और यही वाटर क्या करता है, वेस्ट मटेरियल भी बॉडी से बाहर निकलता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी मूव कर लेता है उसके। दीज एनिमल्स डू नॉट नीड सर्कुलेटरी फ्लूड लाइक द ब्लड, ठीक, और इनके बॉडी में कोई ब्लड वगैरह नहीं होता। ब्लड क्या है, सर्कुलेटरी फ्लूड ही तो है जो सर्कुलेट करता रहता है लगातार, है ना, ठीक। एक्सक्रीशन इन एनिमल, अब पढ़ेंगे हम एक्सक्रीशन का, ठीक, जो हम खाते हैं वो एक्सक्रीट भी तो करते हैं ना, चाहे हम ऑक्सीजन ले रहे हो चाहे खाना खा रहे हो, तो वो सब बाहर निकलते हैं। जब हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो वो तो लंग्स के थ्रू बाहर निकाल दे रहे हैं हम, लेकिन जो खाना खाते हैं वो भी तो हमारे बॉडी के लिए डेंजर बन जाता है एक तरीके से, ठीक है। क्यों बनता है वो अभी हम पढ़ते हैं, लेकिन पहले हम सीखते हैं कि क्या है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, ठीक है। आप रोज टॉयलेट जाते हो, कई बार आप यूरिन जाते हो, टॉयलेट भी जाते हो सुबह शाम या दिन में भी जाते हो, है ना, तो ये सब फंक्शन हमारी बॉडी में कैसे हो रहा है, क्योंकि हम खाना खा रहे हैं तो वो चीज़ बाहर भी निकलेगी, है ना, तो क्योंकि वो वेस्ट बन जाता है हमारी बॉडी में, जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, और जो नहीं, जो बॉडी के लिए वेस्ट है वो हमारी बॉडी अपने आप उसको बाहर निकाल देती है, है ना। तो ये आप जानते हो सारा का सारा चीज़ तो ब्लड में होता है, क्यों, ब्लडी फूड को लेके जाता है जो इम्पोर्टेंट विटामिन वगैरह है वो डिफरेंट पार्ट में, फिर वहाँ से वेस्ट भी लेके ब्लड ही आता है, तो वो जो ब्लड में वेस्ट होता है वो कहाँ जाता है, किडनीज में जाता है, ठीक है, कैपिलरीज किडनी में जाती है, कैपिलरीज और
किडनी एक ऑर्गन है ना, वहां पे बहुत सारी कैपिलरीज होती है। देखो सेल से बनता है आपका क्या, टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, है ना। तो किडनी भी एक ऑर्गन है, तो वहां पे ब्लड वेस्ट, ब्लड कैपिलरीज खूब सारी होती हैं। तो जो ब्लड आता है उनमें, तो ब्लड जो लेके आता है अपना वेस्ट मटेरियल, है ना। तो अब इसमें दोनों चीजें होती हैं, यूजफुल भी मटेरियल होता है और हार्मफुल मटेरियल भी होता है, दोनों चीजें होती है। तो यूजफुल सब्सटेंस तो ब्लड में रहने देते हैं, ठीक है। ठीक। और जो वेस्ट मटेरियल होता है वाटर में डिजॉल्व होता है, उसको फिर यूरिन में कन्वर्ट हो जाता है ना। और फिर ये किडनी से कहाँ जाता है, हमारा यूरिनरी ब्लैडर में। ये देखो किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में आता है, और यूरिनरी ब्लैडर से फिर हमारा जाता है यूरेथ्रा से, और यूरेथ्रा ओपनिंग में चला जाता है ना, जहाँ से हम उसको एक्सक्रीट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। ठीक। हर एडल्ट ह्यूमन बींग एक दिन में कितना, 1 से लेके 1.8 लीटर यूरिन पास करता है 24 आवर में, वन डे में, ठीक है। और यूरिन क्या होता है, यूरिन कंसिस्ट ऑफ 95% वाटर होता है, 2.5% यूरिया होता है, 2.5% उसमें अदर वेस्ट मटेरियल होता है। ठीक। देखो जो आप पट्टी करते हो वो तो आप कैसे जाते हो, वो तो आपका आपने देखा था डाइजेस्टिव सिस्टम में, है ना, वो लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए एनस में जाता है ना। और जो वाटर के, जो हमारे दूसरे और जो ब्लड में जाता है वेस्ट मटेरियल, है ना, वो हम कहाँ से निकालते हैं, आपका किडनी से फिल्टर होते हुए यूरेथ्रा से। ठीक है, समझ में आ गया। जो हमारे सेल्स वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको कौन लेके आता है, ब्लड लेके आता है। ब्लड लेके आता है कहाँ, किडनी में। किडनी उसको एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्ब करके यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर में डाल देती है, और यूरिनरी ब्लैडर से हम यूरिया से उसको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, यूरिन के थ्रू। और जो डायरेक्टली हमने खाना खाया था और वो अनएब्जॉर्ब जो फूड था, है ना, वो आपका डायरेक्टली कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए एनस में चल जाता है ना। तो हम दो तरीके से निकाल एक्सक्रीशन कर रहे हैं, है ना। चलो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे स्वेट के बारे में, कि हम गर्मी में हमें पसीना क्यों आता है। अब देखो गर्मी में पसीना इसलिए आता है हमारे, हमें, क्योंकि जब आपका पसीना उड़ता है हवा में ना, तो आप कूल फील करते हो। आपने देखा है कभी मटके का पानी पिया है आपने, कभी आपने मटके का अगर पानी नहीं पिया तो मटके का पानी पी के देखना, वो देखना नेचुरली कितना ठंडा होगा। बर्फ डाल के भी जो हम ठंडा करते हैं ना, उससे भी अलग ही ठंडक होती है उसकी, एकदम नेचुरल ठंडा। क्यों, क्योंकि वो वाटर एवोपोरेट कर देता है फ्रॉम द पोर्स ऑफ द पॉट विच कॉजेस कूलिंग, ठीक है। वही फंक्शन हमारी बॉडी भी करती है, हमारे स्पोर्स होते हैं बहुत सारे, वहाँ से वो उड़ जाता है। जब वो उड़ता है तो वहाँ पे जो नमक में साल्ट होता है ना, स्वेट में सॉल्ट भी होता है, तो वो सॉल्ट वहीं पे रह जाता है, ठीक है, और वाटर उड़ जाता है। तो इस चलते हम देखते हैं हमारे वाइट स्पॉट्स बन जाते हैं ना शर्ट वर्ट पे पसीने से, ठीक। ठीक है, तो ये आप थोड़ा मोड़ा पढ़ लेना चीजें ये मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। अब देखो जिस तरीके से हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, ऐसे प्लांट के पास भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। प्लांट क्या ट्रांसपोर्ट करता है, प्लांट में तो ब्लड होता नहीं है, प्लांट तो मेनली वाटर ही ट्रांसपोर्ट करता होगा, है ना, वाटर एब्जॉर्ब करता है, हम तो यही जानते हैं ना, मेन तो उसका वाटर ही एब्जॉर्ब करता है। वाटर के बिना तो हम भी नहीं रह सकते, प्लांट भी नहीं रह सकता। और प्लांट में और क्या चीज़ें होती हैं, मेन फंक्शन लीव्स करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस से वो फूड बनाता है, है ना। तो और उसको पानी चाहिए होता है, पानी देता है उसको कौन, रूट्स देती हैं, रूट्स, पानी रूट्स में जाता है, रूट्स से स्टेम, स्टेम से ब्रांचेस, ब्रांचेस से लीव्स में जाता है। अब देखो हर, अब प्लांट भी उसी तरीके से है,
सेल्स का बना हुआ है, डिफरेंट सेल्स के बने हुए हैं, बहुत सारे सेल्स से बना हुआ है ना प्लांट भी। अब हर सेल को फंक्शन करने के लिए फूड चाहिए होता है, लेकिन फूड तो सिर्फ और सिर्फ इनका ही लीव्स ही बना रहा है। तो लीव्स बना रहा है तो लीव्स से भी तो फूड ट्रांसपोर्ट होगा ना इनके। देखो इसके तो डाइजेस्टिव सिस्टम है नहीं हमारे ऐसा कि ब्लड वहाँ से एब्जॉर्ब कर ले न्यूट्रिएंट्स को और पूरे हर सेल को दे दे। तो इनका क्या होता है, जो लीव्स में बनता है फूड वो ट्रांसपोर्ट होता है अलग अलग सेल्स को, है ना। तो कैसे होगा, वाटर से ही होगा, क्योंकि इनके पास सिर्फ सिर्फ वाटर सोर्स है। इसका मेजर सोर्स क्या है, वाटर ही है ना, ब्लड नहीं बल्कि वाटर है। अब वाटर इसको कहाँ से मिलता है, ग्राउंड से मिलता है, रूट से लेता है, ठीक। तो जिस तरीके से हमारे अंदर आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, है ना, और घर में कैसे होती है पाइप्स होती हैं जिनसे पानी मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह, उसी तरीके से इनका भी एक सिस्टम होगा, है ना। तो अब ऑब्वियस ही बात है, तो वो जो पूरा सिस्टम है उसको हम क्या कहते हैं, जो टिश्यू जो रिस्पॉन्सिबल है पूरा का पूरा वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, है ना, प्लांट्स के अंदर, वो है जाइलम, ठीक है। वैस्कुलर टिश्यू, द वैस्कुलर टिश्यू फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इन द प्लांट इज कॉल्ड जाइलम, ठीक है। जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है, ये देखो आप जाइलम का है ये फोटो, ठीक। ये एक जाइलम वेसल है, ठीक। ऐसे ही छोटे 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 जाइलम वेसल एक ट्यूब टाइप में बना देते हैं, है ना। और ये कई सारे ट्यूब्स हैं, इन सब से पानी बह रहा है, देख लो इन सब से कितने सारे ट्यूब्स हैं। तो इतनी हजारों ट्यूब होती है उस ट्री में, है ना, सेल्स के अंदर। तो जाइलम से फ्लो करता है, ठीक। जाइलम से क्या होता है, पानी रूट से डायरेक्ट लीव्स तक पहुंच जाता है, है ना, वाया डिफरेंट स्टेम्स ब्रांचेस, है ना, होते हुए पूरे प्लांट से होते हुए। फिर अब जो फूड वहाँ बन रहा है फोटोसिंथेसिस के द्वारा लीव्स में, अब वो भी तो दूसरी तरफ पहुँचना चाहिए, अलग अलग पार्ट्स को, अलग अलग सेल्स को। तो वो कैसे पहुँचता है, तो दूसरे से पहुँचता है वो, है ना। जैसे हमारे यहाँ हमारे अंदर आर्टरी या वेन्स है, इसमें भी वैसे ही है। इसमें पानी जा रहा है जाइलम से और फूड आता है दूसरे वैस्कुलर टिश्यू से, जो उसका नाम है फोलेम, ठीक है। तो फोलेम एंड जाइलम ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस इन प्लांट, ठीक, क्लियर हो गया आपको। एग्जांपल दिया हुआ है आपके, आपने एक ऐसा एक क्या ले लो, टम्बलर ले लो, उसमें थोड़ा सा वाटर डालो, फिर एक छोटा सा श्रब ले लो, ठीक है, उसको काट दो नीचे से स्टेम उसकी, और उस पानी में थोड़ा सा रेड इंक डाल दो, ठीक, एक दो दिन छोड़ दो उसको, फिर उसको अब्जॉर्ब करो, तो आपको दिखेगा ऐसे रेड स्पॉट्स आ गए हैं उसमें, है ना। इवन लिप्स में भी हो सकता है स्पॉट्स आ गए हों। ये क्यों हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो वाटर ट्रांसपोर्ट हुआ ऊपर, है ना, थ्रू जाइलम। वो जाइलम से जब ट्रांसपोर्ट हुआ तो डिफरेंट पार्ट्स में गया, डिफरेंट पार्ट में जा करके आपको, क्योंकि डाई आपने डाल दी थी तो वो आपको दिख रही है फिर, है ना। तो इस तरीके से हम समझ जाते हैं कि हाँ किस तरीके से वाटर जाता है। अब एक प्रोसेस होता है ट्रांसपीरेशन का, जैसे हम करते थे ना रेस्ट, जैसे हमने पढ़ा हमारे बॉडी से पसीना निकलता है ना, परस्पायर करते हैं हम उसी तरीके से प्लांट्स का भी ट्रांसपीरेशन का एक प्रोसेस होता है, ठीक है। इससे क्या होता है, प्लांट्स रिलीज करते हैं लॉट ऑफ वाटर, ठीक। आपने पहले पढ़ा है कि प्लांट की लीव्स में स्टोमाटा होता है, जिससे वो लगातार पानी को एवापोरेट कराता रहता है ना। अब जब ये पानी एवापोरेट होता है लीव्स से उसके, ठीक है, तो ये क्या करता है, एक सक्शन का इफेक्ट पैदा करता है, ठीक, और पानी आने के लिए जगह बनाता है ना। अब देखो अगर आप स्ट्रॉ डाल के सक करते हो ऊपर की तरफ, है ना, अपने मुंह में खींचते हो सोडा को, कोल्ड ड्रिंक को या जूस को, तो और भी नीचे से पानी ऊपर आता है ना, और भी नीचे से जूस आपका ऊपर आता है या कोल्ड ड्रिंक ऊपर आता है ना, तो इसको सक्शन कहते हैं, सक्शन पुल के आता है। जब ऊपर का पानी मूव कर रहा है तो नीचे से ऊपर आ रहा है ना। तो इसीलिए जब आप जब लीव्स से आपका पानी उड़ता है तो वो सक्शन पुल करता है, वो पानी और ऊपर आता है। इस तरीके से चाहे कितना भी ऊंचाई पे हो पेड़, वहां तक भी पानी पहुंच जाता है ना, क्योंकि पानी मोटर तो लगी भी नहीं है, है ना, इनके पास हर्ट भी नहीं है कि जो पंप कर रहा हो। तो इनके पास सिर्फ यही एक प्रोसेस है नेचुरल, कि एवापोरेशन की वजह से वो सक्शन पुल होता है, प्लांट चाहे कितना भी ऊंचा हो वहां तक भी पानी पहुंच जाता है ना सक्शन की वजह से। और ट्रांसपीरेशन का एक और फायदा है कि ये प्लांट को कूल भी रखता है, उसके लीव्स को कूल भी रखता है, वरना लीव्स हो सकता है मर भी जाती है ना इतनी हीट से, ठीक, सुखा देता, इतनी हीट पड़ती है कि वो सुखा ही देता उसको,
है कि नहीं, तो लगातार ट्रांसपिरेशन होता रहता है, तो सूखता भी नहीं है पत्ता, अपना फंक्शन भी करता रहता है। ठीक है, स्टोमाटा का तो और भी फंक्शन है, वो CO2 एब्जॉर्ब भी करता है ना, वहाँ से ओपन करता है, ओपन होता है, वहाँ से पानी भी रिलीज होता है, ऑक्सीजन भी रिलीज होता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी वो खींच लेता है। तो ये था पूरा चैप्टर, मैंने थोड़ा सा स्पीड में पढ़ाया है, बट एक एक टॉपिक का आपका क्लियर किया है। मुझे नहीं लगता मैंने आपका कोई भी टॉपिक छोड़ा है, और फिर भी कोई डाउट हो आपको लगे कि हाँ कहीं पे समझ नहीं आया हो, तो आप प्लीज़ कमेंट करना, मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो टॉपिक नहीं समझ आया हो उसको फिर से लेके एक नए वीडियो में समझा सकूँ। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।